नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिनभर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अवैध खनन जुड़े मामले में निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब विशेष प्रतिनिधि के द्वारा निर्वाचन आयोग को भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार पूरे मामले में सीएम ने खुद को निर्दोष बताया है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि एक विधायक के रूप में लीज लेना किसी कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। क्या होता है हिंट कर दे। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन ईडी ने कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि जहां ईडी ने कोर्ट से 6 दिनों की रिमांड की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने 5 दिनों की ईडी की रिमांड को स्वीकार किया है। वहीं सीए सुमन कुमार सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के बाद ईडी द्वारा कोर्ट में रखी गई, जिसे स्वीकार करते हुए सुमन कुमार को न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया। वहीं पूजा के वकील ने इस केस में कुछ भी बोलने से इनकार किया है। आज इस केस में कोर्ट में पूजा के वकील द्वारा मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। वहीं सरयू राय ने ईडी को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर पूजा सिंघल मामले में कुछ बिंदुओं पर ईडी का ध्यान आकृष्ट कराया है। पत्र में सरयू राय ने कई बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि जांच के क्रम में खान विभाग के क्रियाकलापों पर भी प्रवर्तन निदेशालय विचार कर रहा है। ऐसे समाचार पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है वर्तमान सरकार में भी और पूर्ववर्ती सरकार में भी मैंने लौह अयस्क खनन में अनियमितताओं से संबंधित मुद्दों की चर्चा की है और झारखंड सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। इस संबंध में मैंने रहबर की राहजनी एक पुस्तक को प्रकाशित भी किया है। यह पुस्तक इस अनुरोध के साथ संलग्न कर रहा हूं कि इसमें वर्णित तथ्यों एवं कथ्यों का उचित प्रतीत हो और जांच के दायरे में इसे लाया जा सकता है। अब बात करेंगे रामगढ़ की। रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि 12 मई को समय 8 बजे रात्रि को बासल थाना क्षेत्र के ग्राम लेम से सिमरा नदी पर निर्माणाधीन पुल पर अज्ञात अपराधियों द्वारा मजदूरों के साथ मारपीट, आगजनी तथा फायरिंग कर रंगदारी की मांग की गई थी, जिसके आलोक में कांड की गंभीरता को देखते हुए उद्भेदन हेतु एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी की गई जिसके प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के सक्रिय अपराधी सुनील मुंडा, अभिषेक सिंह उर्फ टोलू, विकी मुंडा उर्फ भगत, अभिषेक करमाली उर्फ कारू, राहुल मुंडा को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के द्वारा उपरोक्त कांड में शामिल रहने की बात स्वीकार कर ली गई है। साथ ही साथ अपना स्वीकृति बयान भी दे दिया गया है। अपराध कर्मियों के पास से घटना में प्रयुक्त एक देशी पिस्तौल तथा 3 जिंदा गोली और एक देशी कट्टा तथा 2 जिंदा गोली बरामद किया गया है। लेम गांव में एक नदी पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा था, जहां कुछ अपराधियों के द्वारा आकर के वहां मजदूरों के साथ मारपीट की गई और वहां जो एक ट्रैक्टर का डाला लगा हुआ था उसके टायर में आग लगा दिया गया था। साथ ही कुछ ब्लैंक राउंड फायर भी किया गया था। उसके आलोक में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और उसके बाद अनुसंधान जारी करते हुए कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसके जिन्होंने अपने अपनी संलिप्तता उस कांड में स्वीकार किया है। उसमें से 3 लोग एक जगह से गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से 2 अवैध हथियार और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। घटना में यूज किया गया बाइक भी बरामद हुआ है। जिस फोन से रंगदारी की मांग की जा रही थी वो फोन और सिम कार्ड भी बरामद हो गया है। वहीं दुमका जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतगणना का कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि 14 मई को दुमका जिले के नक्सल प्रभावित 4 प्रखंडों में मतदान कराया गया था, जिसमें गोपीकंदर, काठीकुंड, शिकारीपाड़ा और रामगढ़ प्रखंड शामिल था। इन 4 प्रखंडों में जिला परिषद सदस्य के लिए 8 सीट थी, जिसमें शिकारीपाड़ा में 3, रामगढ़ में 3, गोपीकंदर में 1 और काठीकुंड में 1 जिला परिषद सदस्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र है। 3 दिनों तक मतगणना का कार्य चला और मतगणना कार्य पूर्ण होने के बाद सभी जिला परिषद के विजेता सदस्यों को अपर समाहर्ता विनय मनीष आर लकड़ा द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। लोग फंड खोजते हैं। मेरे पास अगर सरकार हमको फंड नहीं भी दी है तो मेरा इतना अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, हमने काम किया है। आप सोचिएगा कहाँ से काम किए हैं। हमने डीसी से भी फंड कुछ लिया है, पीएचडी से भी कुछ फंड लिया है और सिंचाई विभाग से भी कुछ फंड लिया है। इसके अनुसार हमने पूरा गांव में जितना बन पाया हमने काम किया है। मेरे बगल मेरे विधायक जी हैं, उनसे भी कह करके हमने अपने पूरे क्षेत्र का कुछ फंड हमने हर क्षेत्र में बांटा है। वहीं झारखंड मंत्रालय में आम जनता के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए मशक्कत तो करनी ही पड़ती है। ऐसे में ही एक महिला नीलिमा उराव, जो झारखंड मंत्रालय
में 15 तारीख से 20 तारीख तक बार बार आने की उन्होंने कोशिश की। अपनी मदद की गुहार को लेकर वो उन्हें अंदर तक नहीं जाने दिया गया, लेकिन आज किसी तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वो मिल पाई और अपनी समस्याओं से उन्हें रूबरू कराया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जमीन संबंधित मामले को लेकर उनके पति और बेटे को उनके गोतिया के द्वारा बेरहमी से पीटा गया है। पति तो नहीं रहे, लेकिन बेटे की मानसिक स्थिति अभी फिलहाल ठीक नहीं है। बेटे को कान से भी सुनाई नहीं देता, उनके घर की माली हालत भी ठीक नहीं है। 15 से 20 हज़ार महीने में खर्च हो जाता है बेटे के इलाज पर, और अब उन्हें घर चलाने तक के उनके पास पैसे नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी बातों को सुनकर उन्हें आश्वासन दिया है और राशि मुहैया कराने की भी बात की है। 2020 में जो गुतियालों को मार दिया है, भाई भतीजा को मार दिया, और साथ परिवार को हम ही घर चलाते हैं, और जहाँ सिटी स्कैन जहाँ हॉस्पिटल है रिम्स से दिखाते हैं तो वहाँ पर हर महीना दिखाना पड़ता है। सिटी स्कैन करके दवा लगता है 15,000, कभी 18,000। कोई कमाने वाला नहीं है, हम अकेले घुट घुट के जी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्या बोले आपको, क्या आश्वासन दिए? हमको बोले कि तुमको मदद देंगे, कहीं काम भी दे दीजिए सर, बोले काम कर करके दवा वही चलाएंगे बोले थे। आश्वासन दिए मुख्यमंत्री जी। वहीं आरके म्यूजिकल के तत्वाधान में राजधानी रांची के मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा खोज का महामंच सुर स्वर साधना। यह गायकी के क्षेत्र में छिपी प्रतिभा को सामने लाने का एक बेहतरीन मंच है। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार की जोड़ी नदीम श्रवण में से श्रवण के पुत्र संजीव राठौर और दर्शन राठौर करेंगे। संजीव और दर्शन राठौर इस संगीत प्रतियोगिता में निर्णायक भूमिका में नजर आएंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 1,000 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन ऑडिशन दिया था, जिनमें से 10 प्रतिभागियों का चयन किया गया। ये 10 प्रतिभागी अपनी गायकी प्रतिभा का प्रदर्शन निर्णायक मंडली के सम्मुख करेंगे। आपको बता दें कि साथ ही साथ दर्शक भी इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकेंगे। सुर स्वर साधना प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता को 2 जुलाई को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आज की दुनिया इतनी छोटी होती जा रही है, बस लोगों को एक मंच की जरूरत है। आज आप देखेंगे कि छोटे से छोटा आदमी भी सुपरस्टार बन सकता है, क्योंकि हाल ही में आप सबने देखा होगा काचा बादाम गाना। आज काचा बादाम हम सब जानते हैं, हर एक व्यक्ति जो ये देख रहा है शायद वो हर कोई काचा बादाम गाने को जानता है कहीं से। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई मंच बड़ा या छोटा होता है। मंच होता है, हो सकता है यहाँ से आपको कल हिंदुस्तान का बॉलीवुड का बहुत बड़ा आर्टिस्ट इसी मंच से मिल जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।